लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दियों में सिर दर्द की समस्या क्यों बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दियों में कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, खासकर सर्दी, जुकाम या खांसी बहुत लोगों में देखी जाती है। ऐसा कमजोर इम्यूनिटी के कारण हो सकता है। बदलते मौसम में सबसे पहले बुजुर्ग और छोटे बच्चे ही बीमार पड़ते हैं। इस तरह की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि खान पान की सही ध्यान रखा जाए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश की जाए। हालांकि इन दिनों कुछ लोग फ्रिक्वेंटली सिर दर्द की शिकायत करते हैं, तो क्या वाकई ये सच है कि बढ़ते ठंडे में सर दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तो आइए इस टॉपिक पे मैं आपसे और भी डिटेल में बता रहा हूँ। तो सर्दियों में सिर दर्द क्यों होता है? सर्दियों में सिर दर्द होने के कई कारण हैं, जैसे सर्दी जुकाम के कारण हो सकता है सर दर्द। ठंड के दिनों में अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत बनी रहती है। कुछ लोगों को खांसी भी पूरे महीने होती है। ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो अक्सर घर से बाहर समय बिताते हैं। अगर सर्दी जुकाम की शिकायत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में सर दर्द के साथ साथ कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। साइनस होने पर बढ़ सकता है सर दर्द। सर्दियों में साइनस भी बढ़ जाता है। साइनस की समस्या होने पर नाक बहना, नाक में दर्द, खांसी, जुकाम होने लगता है। अगर कंडीशन को सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो सर दर्द भी होने लगता है। साइनस की स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब व्यक्ति को वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। डिहाइड्रेशन बढ़ा सकता है सर दर्द। ठंड के दिनों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, जबकि गर्मी की ही तरह सर्दियों में भी खूब पानी पीना चाहिए। कम से कम 8 गिलास पानी हर बड़े को रोज पीना चाहिए। लेकिन ठंड में प्यास कम लगती है, इसलिए लोग पानी पीने से बचते हैं। ऐसे में बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। डिहाइड्रेट होने पर सर दर्द हो सकता है। कफ हेडेक हो सकता है। कफ होने पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और बार बार खांसी होती है। कई बार ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि व्यक्ति को सर दर्द होने लगता है। दरअसल कफ होने पर व्यक्ति के मुंह में काफ़ी बलगम बनता है और नाक भी बलगम से भर जाती है। नाक साफ करते हुए व्यक्ति पुरजोर से नाक छिड़कता है। कई बार फोर्स इतना ज़्यादा लगता है कि उसका प्रेशर सर तक पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में सर दर्द होने की आशंका भी बढ़ जाती है। नींद की कमी के कारण सर दर्द होता है। आप कह सकते हैं कि ठंड के मौसम में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी नींद आती है। ऐसे में भला इन दिनों नींद की कमी कैसे हो सकती है? दरअसल अब जब किसी भी को सर्दी जुकाम या इस कंडीशन की रात को अच्छी नींद नहीं ले पाता है, अगर रात को अच्छी नींद ना ली जाए तो सुबह आंखों में जलन, चिचड़ापन के साथ साथ सर दर्द भी होने लगता है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी माइग्रेन या दूसरे तरह के सर दर्द हो सकते हैं। सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, इसलिए बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इस वजह से सर दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सर्दी जुकाम की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। सर्दी की वजह से सर में दर्द हो रहा है तो काफ़ी चाय भी पी सकते हैं। सर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।